children and their parents. Disability is not a curse, but it's a God's special gift. By the grace of the God, the parents who have such children are chosen for a special purpose and motive. It's our effort through this film to make them believe that they are also the pillars of the society. Patronage and special support, Dr. Anil Sulabh, Director in Chief, Indian Institute of Health Education and Research, Beyur, Patna, 800002, Bihar. अभिशाप नहीं ये तो एक वरदान है, विकलांगता अभिशाप नहीं ये तो एक वरदान है। रचना है सभी रचेता के, रचना है सभी रचेता के, सब उनकी संतान है। ईश्वर का वरदान है, 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 ईश्वर का वरदान है। जीवों की रचना करके भेज दिया उस धरती पर, अपना धर्म निभाए वो, बोझ नहीं है धरनी पर। सब जीवों की रचना करके भेज दिया उस धरती पर, अपना धर्म निभाए वो, बोझ नहीं है धरनी पर। जिसको भी यह जन्म दिया, जिसको भी यह जन्म दिया, दाता तो नहीं अनजान है। ईश्वर का वरदान है, 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 ईश्वर का वरदान है। We'll be right back.
बच्चा विकलांग दिया, ये उनसे मिली चुनौती है, ये सचमुच का वरदान मिला, ये जीवन एक कसौटी है, जीवन एक कसौटी है। सदनी सदी सदी सदनी पदम पद पगम पद निर पम गर्प मगर, ईश्वर बच्चा विकलांग दिया, ये उनसे मिली चुनौती है, ये सचमुच का वरदान मिला, ये जीवन एक कसौटी है। उस पर खरे उतरना ही, उस पर खरे उतरना ही, यही ईश्वर का सम्मान है, ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है। चेहरा कुछ खिला खिला सा लग रहा है। सरप्राइज, वक्त आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतनी एक्साइटमेंट अच्छी बात नहीं। सरप्राइज? ऐसी कौन सी सरप्राइज है जो तुम मुझे भी नहीं बता सकती? हैव पेशेंस प्लीज, वक्त तो आने दो। क्यों, क्या अभी वक्त खराब है क्या? चलो गाड़ी स्टार्ट करो, काफी देर हो चुकी है। नो, अब ये गाड़ी तभी स्टार्ट होगी जब तुम मुझे वो सरप्राइज बताओगे। अभी हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? डॉक्टर कपूर के यहाँ से आ रहे हैं। क्यों? ऑब्वियसली यार, तुम्हारी तबीयत खराब थी, लेकिन हाँ, अब तो तुम्हें देखने से ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें कुछ हुआ भी था। ओह, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं, पता नहीं तुम इंजीनियर। अरे जिया जी, दीदी को क्या हुआ? आप इनको इस तरह क्यों पकड़े हो? ज्यादा बकबक मत करो। सुनाइए, आज से दीदी कोई काम नहीं, उन्हें अब सिर्फ आराम करना है, सारे काम हम दोनों को करने हैं। और सुनो, चल रहा चलना। क्या है ये यहाँ पे?
सब कुछ तो ठीक है जिया जी, पर अचानक दीदी को हो क्या गया? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तेरे जिया जी है ना, इसी उम्र में सिठ आ गया है और कुछ नहीं। आप लोग की बातें मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर। तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं यार। वो तो है। अच्छा सुनो, इस जन्म में तो तुम मुझे मिल गई, अगले जन्म में मिलोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम बहुत इडियट हो। मैं इडियट हूँ? अच्छा, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। हेलो, ए मिस्टर, ए क्या हाल है? सुनो, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। मैं कब से बकबक किया जा रहा हूँ और तू है कि कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। अरे उसे आने में काफी वक्त है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम कैसे जान लिए कि मेरे कोख में पल रहा बेटा ही है? मुझे तो एक फूल सी गुड़िया चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल डिफर हूँ। क्यों? मुझे तो बेटा चाहिए। अच्छा, और वो मेरी तरह इंटेलिजेंट हो। अरे हमारे बस की बात नहीं है बेटा या बेटी होना, ये तो ईश्वर की कृपा है, वरदान है। वो जो भी हमारे आंचल में प्यार से डालेंगे मुझे स्वीकार है। अरे वक्त तो आने दो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात करूं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल वैसी जैसा मैंने तुम्हें पहली बार आग रात के दिन देखा था। शर्मा जी की पार्टी में नहीं चलना क्या? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। चल हवा में देखो, तेरा चल हवा में देखो, मन चल सी लहराए। मेरा चल हवा में देखो, मन चल सी लहराए। खुले जो खिड़की हवा का झोंका आए। चल हवा में देखो, मन चल सी लहराए, मन चल सी लहराए, मन चल सी लहराए। होगा अपना सपना कोई आएगा अपना, ए सच होगा अपना सपना कोई आएगा अपना। जीवन बगिया महकेगी सुन मेरे प्यारे सजना, जीवन बगिया महकेगी सुन मेरे प्यारे सजना। गालों पे तेरे देखो देखो, गालों पे तेरे देखो देखो, लाली मासी छाए। मेरा चल हवा में देखो,
चल हवा में देखो मन चली सी लहराए मन चली सी लहराए मन चली सी लहराए मुझे जरा छूने दो कुछ तो हलचल हो रहा है मुझे जरा छूने दो बहुत सताते हो मुझको अभी मुझे सोने दो बहुत सताते हो मुझको अभी मुझे सोने दो ओ, तेरे ममता के आंचल में तेरे ममता के आंचल में खुशियां ही भर जाए चल हवा में देखो मन चली सी लहराए मन चली सी लहराए बाकी है बाहों में तो आओ रात भी बाकी है छोड़ो सजना भी मुझे नींद बहुत आती है छोड़ो सजना भी मुझे नींद बहुत आती है तुम तो मेरे प्यारे दिलवर तुम तो मेरे प्यारे दिलवर तुम ही मन को भाए चल हवा में देखो तेरा चल हवा में देखो मन चली सी लहराए मेरा चल हवा में देखो मन चली सी लहराए मन चली सी लहराए मन चली सी लहराए बेटी का एक पैर खराब है उसका तुरंत ऑपरेशन करके एक पैर काटना होगा वरना यह धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगा फैसला आपको करना है ऑपरेशन कराना चाहते हैं या नहीं माय गॉड ये क्या हो गया और कोई दूसरा उपाय डॉक्टर फिलहाल तो कोई उपाय नहीं बड़ी होने के बाद कोई उपाय निकाला जा सकता है आपके पास समय बहुत कम है लगे वो कीजिए डॉक्टर ठीक है मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ आप एक नंबर काउंटर पे जाके सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए ठीक है डॉक्टर
अरे कोई चुप कराएगा उसे? उसके चिल्लाने की आवाज से मेरा टेंशन और बढ़ जाता है। पता नहीं ईश्वर मुझसे किस जन्म का बदला लेगा। तुम्हें किस बात का क्रोध है विजय? तुम सिर्फ एक पिता हो, पर मैं इसकी माँ हूँ। माँ तू क्या जानो, 9 महीने इसे अपने कोख में रखकर प्रसव पीड़ा सह कर मैंने इसे जन्म दिया है। तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? अरे एक विकलांग बेटी का बाप कहलाना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे ये बड़ी होगी, कौन करेगा इससे शादी? क्या हमारा समाज स्वीकारेगा उसे? मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता अनीता। अरे ये जीवन भर के लिए एक बोझ है, बोझ, एक अभिशाप है ये, अभिशाप। तू क्या चाहते हो, इस फूसी बच्ची को किसी कूड़े या नाले की तरह फेंका? नहीं विजय, तुम इतने निर्दयी और कठोर हो सकते हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा मान मर्यादा स्वाभिमान ही सब कुछ है, पर मेरे लिए मान मर्यादा स्वाभिमान से बढ़कर माँ की ममता है। मैं इसे अपने सीने से अलग नहीं रख सकती विजय, नहीं। ले जाओ इसे मेरे सामने से। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसका बाप नहीं हूं मैं इसका बाप। माया, आज तेरी बहुत याद आ रही है रे। तू तो चिर निद्रा में सो गई, पर मुझे घुट घुट कर मरने को छोड़ दिया। मैं तुम्हें समा जाना चाहता हूं माया, समा जाना चाहता हूं, पर काश ये मेरे बस में हो। मैं टूट चुका हूं माया, देखो माया से बातें करते रहते हो। चलो आओ, रूपा ने तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा भेजा है। गाजर का हलवा? हाँ हाँ खा लो। कितना ख्याल रखती है बेटी। राधेश्याम, रूपा भी तो तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बेटी अनीता और रूपा एक साथ बचपन से खेलती पढ़ती बड़ी हुई है। मतलब ना मनीता का, उसने क्या किया मेरे साथ? इन्हें हाथों से पाला पोसा, इस कांधे में बैठ के उसे सैर कराया। माया के अचानक स्वर्ग सिधार देने के बाद माँ बाप दोनों का प्यार दिया दुलार थी, पर इस घटना को घटे 10 वर्ष हो गए,
अब तो माफ कर दो दोनों को, अपना रोग नहीं। नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। क्या करते हो राधे साहब, तू यूं तन्हा कैसे रहोगे? कुछ दिन बाद रूपा भी अपने ससुराल चली जाएगी, अब तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई तो चाहिए। राधे श्याम, इतने दिनों में तुम नाना भी बन गए होंगे, जरा उस बच्चे की तो सोचो राधे श्याम, जो वर्षों से तुम्हें नाना कहने की आस लगाए रखा है। क्या गोपाल जी, मैं सच में नाना बन गया होऊंगा? हाँ राधे श्याम। मैं तो इन 10 वर्षों में भूल ही गया था कि मैं नाना भी बन जाऊंगा। मैं नाना शब्द सुनने को सबको माफ कर दूंगा, सबको माफ कर दूंगा, पर मैं उनसे मिलूंगा कैसे? अरे राधे श्याम, तू इसकी चिंता छोड़, मैं तुम्हें पता और उनका फोन नंबर दूंगा। उनका पता और फोन नंबर तुम दोगे? हाँ, मैं तो कल ही जाना चाहता हूँ, मैं कल ही जाऊंगा अपने नाती नाती से मिलने के लिए। मैं सबको माफ कर दूंगा, कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं रखूंगा। हाँ, तू जाने की तैयारी कर, कोई चिंता नहीं, मैं तेरे टिकट की प्रबंध करता हूँ। ठीक है राधे श्याम, अब मैं चलता हूँ। चल हट, बार बार कहा है
कि मुझे पापा मत कहो, मैं नहीं हूँ तेरा पापा। तुम्हें पापा नहीं कहेगी तुझे तो किसे कहेगी? ये मत भूलो कि जैसी भी है ये तुम्हारी बेटी है, इसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है। ये मेरी बेटी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी है। तुमने जन्म दिया है इस अपाहिज को, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी है। हाँ ठीक कहा तुमने, इसे 9 महीने गर्भ में रख कर मैंने इसे जन्म दिया है, पर ये मत भूलो ये 20 तुम्हारा था और ये तुम्हारी बेटी है, इसे तुम मुंह नहीं मोड़ सकते। नहीं, मेरे पास इस तरह की फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस जाते वक्त मेरे मुंह खराब मत करो। तो क्या करूँ, इसे रोड पे फेंक दूँ या गला घोट के मार डालूँ? रोज उसकी चीखी से अच्छा है विजय कि तुम कोई फैसला कर डालो। मैंने कहा ना कि मेरे पास वक्त नहीं है। Thank you.
गुड़िया बेटा कौन है आप? मैं तेरा नाना। माँ आपके बारे में बहुत सारी बातें बताती है। मेरी भी आंखें तेरे तुझे देखने को तरस गई। जब मुझे मालूम हुआ मैं दौड़ा तुझसे मिलने चला आया। ये कैसे हुआ बेटा? ये क्या हुआ बेटा? ये तेरे पैर को क्या हुआ? माँ कहती मैंने जब पैदा लिया तो मेरा एक पैर खराब हो गया था, इसीलिए डॉक्टर ने मेरा एक पैर काट दिया। अब सब मुझे अपाहिज कहकर बुलाते हैं। पापा कहते हैं कि मैं एक अभिशाप हूँ। ये अभिशाप क्या होता है नाना जी, बताइए ना क्या होता है ये अभिशाप? अभिशाप? अभिशाप कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता। ये तो एक वरदान है, ईश्वर का वरदान है बेटा। ये कैसा वरदान है नाना जी कि मैं अपने पैरों पे चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। जब जब मेरे बच्चे को नींद करते देखती हूँ तो मेरा मन भी कहता कि मैं नाचूं, पर ये अभिशाप ऐसा होने नहीं देता है। अरे कैसे माँ बाप हो तुम लोग? भगवान ने किस चीज की कमी दी है तुझे? गुड़िया का इलाज डॉक्टर ने कहा है कि अब ये कभी ठीक नहीं हो सकती है, और अगर ठीक हो भी गई तो क्या? अरे जीवन भर के लिए बोझ है ये। आप हमें मेरी यही सलाह है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तरस आती है तुम्हारी सोच पे। कभी ये सोचा है इसका भविष्य क्या होगा? अरे तो कौन करेगा इससे शादी? अपने साथ साथ किसी और की जिंदगी भी बर्बाद करेगी ये। तुम्हारी जिंदगी का अंतिम पड़ाव तो बस शादी पे ही तो आगे होगा। अरे तुम चाहते तो गुड़िया अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, अपने अरमानों की सोचाई को पंख लगाकर छू सकती थी। तुमने हालात से समझौता और छोड़ दिया इसे अपने हाथ। बाबूजी मैं इन्हें बार बार समझा के हार चुकी हूँ, अब आप आ गए हैं तो आप ही कोई रास्ता निकालिए। ठीक है, हमने तो कोशिश करके देख लिया, अब आपको जो समझ में आए कीजिए। बाबूजी आप लोग आ जाइए, मैं आप लोगों का खाना लगा रही हूँ। ठीक है
मुझे आपके निर्देशक प्रमुख महोदय से मिलना है। आपका नाम? राधेश। राधेश हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर आपको राधेश कोई पर्सन मिलना चाहते हैं। हाँ जरूर आइए, तशरीफ लाइए। प्रणाम, बैठिए। बताएं कैसे तशरीफ लाए? सर मेरा नाम राधेश्याम। जी राधेश्याम जी, बताएं। आपके सेंटर के बारे में मैंने बहुत सुना है। चलिए धन्यवाद। और मैं आगे और भी जानना चाहता हूँ कि आपके सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या काम होते हैं। बहुत अच्छी बात है आप आए, पहले इसके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका। और ये संस्थान विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में, एक तो सेवा के लिए और दूसरे प्रशिक्षण के लिए, दोनों ही क्षेत्रों में ये संस्था कार्य कर रही है। और कई ऐसे पुनर्वास के क्षेत्र हैं जिसके बारे में आम लोग बहुत थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, तो मुझे खुशी है कि आप आए। और मैं बताना भी चाहूँगा कि बहुत सारी विकलांगता ऐसी हैं जिसे लोग समझते हैं कि यह ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहा है राधेश्याम जी। और जो लकवाग्रस्त लोग थे वो कभी ना सोचते थे कि वे चल पाएंगे, लेकिन उनको फिजियोथेरापी देकर हम चलाते हैं। जिसके पैर कट गए हों किसी भी कारण से, उनको हम कृत्रिम पैर लगाते हैं, और ऐसा पैर लगाते हैं कि दूसरों को पता भी न चलेगा कि उसे पैर नहीं है, और अपने सारे काम वो बखूबी वो करने में सक्षम हो जाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे हकलाने की, तुतलाने की, नहीं सुन पाने की, गूंगे बहरे होते हैं, उन सब का भी इलाज बहुत ही संभव है। नई तकनीक विकसित हुई है, अब हकलाने तुतलाने वाले बच्चे हमारी आपकी तरह साफ साफ बोल सकते हैं। इन सभी सेवाओं के अतिरिक्त इस संस्थान में कई प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चलते हैं। मैं चाहता हूं कि इस आपके बहाने से यह संदेश लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो जितनी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं इसके अतिरिक्त कई स्तर के पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चलते हैं जो विकलांगों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं और विकलांगों के पुनर्वास के सिलसिले में। तो जैसे अगर विकलांगों के पुनर्वास के पाठ्यक्रम की बात करें तो फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग। ये जो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग है, ये आर्टिफिशियल लिम्ब, कृत्रिम अंग बनाने की इंजीनियरिंग, या जो भी सपोर्ट हम किसी विकलांग को देते हैं वो सभी सपोर्ट के आइटम्स जो तैयार किए जाते हैं उसकी इंजीनियरिंग ये है। इसके अतिरिक्त बीएड स्पेशल एजुकेशन का एक प्रोग्राम है। ये एक ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम है जो खास तौर से शिक्षकों को तैयार करता है कि आप जो विशेष बच्चे हैं, विकलांग बच्चे जिन्हें विशेष बच्चे कहते हैं, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उनका उपचार भी कैसे होता है ये जाने, और उनको कैसे हम कक्षाओं में या दूसरी जगह हम उसको मैनेज करेंगे, प्रबंधित करेंगे। राधेश्याम जी, ये जितनी सेवाएं हम लोग देते हैं ये सभी निःशुल्क सेवाएं। जितना मैं सुना था उससे कहीं जाकर बहुत ज्यादा हो गया है। इसके मेरी एक समस्या है। बताइए, कहिए क्या समस्या है आपकी? मेरी एक नतनी है, उसके जन्म के वक्त उसके पैर में एक प्रॉब्लम था, पर डॉक्टर ने उसके उपचार के बदले उसका एक पैर ही काट डाला। मैं अपनी बेटी दामाद के साथ नहीं रहता। मेरी बेटी दामाद ये समझते हैं कि वह कभी ठीक नहीं हो सकती है, पर आपकी इन बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा
मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरी पत्नी अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, चल सकती है। बिल्कुल ठीक समझ कहा आपने राधेश्याम जी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी भी होगी और वह सब कुछ करेगी जो आम लोग करते हैं, सामान्य लोग करते हैं। मैं आपसे एक आग्रह करूँगा, आप उस बच्ची को उसके माता पिता के साथ हमारे संस्थान में लाएं। हम उसे पहले देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स, सभी क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स उसका मूल्यांकन करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या करना है। और उसके पैर कटे हुए हैं जैसा कि आपने बताया, तो एक बहुत ही बढ़िया कृत्रिम पैर लगाएंगे उन्हें उसे, और आगे देखेंगे कि बहुत सारे काम वो खुद कर सकेगी, और अगर थोड़ा मेहनत करेगी तो निश्चित रूप से वो सभी दूसरे लोगों के मुकाबले, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि शायद अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर ढंग से अपना करियर बना सकेगी और सफल हो सकेगी। आप बच्ची को माता पिता के साथ लाएं, हम ठीक करेंगे। राधेश्याम जी, मैं अपना एक प्रॉस्पेक्टस इंस्टीट्यूट का आपको देना चाहूँगा, ये आप इसे रखें, इसे आप पढ़ेंगे, अपने परिवार के लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत सारी जानकारी इसमें से मिलेगी। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपसे लें कि आपकी बच्ची पूरी तरह से ठीक होगी और न केवल अपने पैरों पर खड़ा होगी बल्कि समाज में देने लायक एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के तैयार होगी। आप बिल्कुल निराश नहीं हो। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मैं आपका सेंटर घूमकर देखना चाहता हूँ। Thank you.
क्यों बातें हो रही हैं? नहीं, जरा मैं भी तो सुनू। पागल हो गए? हाँ। अभी तक तो बाबूजी नहीं आए। काफी देर हो गई है। अरे बाबूजी आप आ गए? कहाँ रह गए थे बाबूजी इतनी देर? बेटा लीजिए, जब तक आप चाय पीजिए। आप जा मेरे लिए भी चाय लिया। इतनी देर तक कहाँ रह गए थे बाबूजी? हम सब कितना घबरा गए थे। बताता हूँ बिटिया, सब बताता हूँ। जरा सुस्ताने तो दो। अरे गुड़िया बिटिया, आओ बेटा आओ। ठीक से लो मैडम जी। दोस्त अब तो मेरी गुड़िया बिटिया अपने पैरों पे खड़ा होगी, नाचेगी कूदेगी दौड़ेगी, वो सारा काम करेगी जो आम लड़की करती है। ऐसा कैसे संभव है बाबूजी? हमने भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उनसे सलाह दी है, लेकिन कहीं कोई नतीजा नहीं निकला। और आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको इतना विश्वास? विश्वास बस विश्वास ही एक चीज है जो आदमी को अपने मंजिल तक पहुंचाता है। बाबूजी पहले मत बुझाइए और साफ सब बताइए कि गुड़िया वहां कैसे ठीक हो सकती है। तुमने शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के बारे में नहीं सुना है? हाँ सुना तो है, लेकिन कभी गया नहीं। अगर इधर उधर भटकने के बजाय वहां गए होते तो शायद हमारी गुड़िया इन हालातों में ना होती। पर तुमने तो उसे अपाहिज अपंग अभिशाप कह के उसे पुकारते रहे। पर वहां होता क्या है बाबूजी? वहां पे बेटा हमारी गुड़िया जैसे असहाय बच्चों को कृत्रिम अंग लगाया जाता है, उसे अपने बल पे दौड़ना कूदना लिखना सब कुछ सिखाया जाता है, जिससे वो बच्चे एक आम आदमी की जिंदगी जी सके। क्यों बेटा तुम भी दौड़ोगी ना कूदोगी ना? नाना मुझे वहां जाना है, ऐसे जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। मुझे वहाँ जाना है नाना जी। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही सुबह गुड़िया को लेकर उस सेंटर पर जाएंगे। और हाँ, गुड़िया के जन्म से लेकर अभी तक जितने भी डॉक्टरों से तुमने दिखलाया है उन सबों का प्रिस्क्रिप्शन ढूंढ कर एक फाइल बना। सुन रही हो ना? अरे अनिता बेटी बातों में तो मैं भूल ही गया था, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को तो लाओ। Thank you.
सर प्रमुख साहब से मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए आइए राधेश्याम जी, आइए तशरीफ लाइए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। गुड़िया बेटी, जैसा तुम मेरे पास आओ, आराम से आओ, आ जा बेटा, आइसो पकड़ के सहारे से आओ। बहुत अच्छा, तुम्हें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कृत्रिम पैर देंगे, एक ऐसा पैर जिसे लगा करके तुम चल सकोगी, दौड़ सकोगी, जो करना चाहो कर सकोगी और आसमान की ऊंचाइयां भी छू सकोगी। तुम फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ तुम क्या करती हो बेटा? चल नहीं सकती इसीलिए घर पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ। अच्छा पढ़ करके क्या बनना चाहती हो तुम? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो यातना सही है वह दूसरों को ना सहनी पड़े और मैं विकलांग भी सकूँ, बधिर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है और तुम ये सब कर सकोगी। आगे भविष्य में क्या करना चाहती हो? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्या करना चाहती हूँ? मैं एक नृत्यांगना बनना चाहती हूँ, ये मेरी हॉबी है। जब जब टीवी पे बच्चों को नृत्य करते देखती हूँ तो मेरा पैर थिरकने लगता है, इसीलिए मैं नृत्यांगना बनना। लेकिन तुम्हारे पैर नहीं है। लेकिन हम पैर लगाएंगे, अच्छा पैर लगाएंगे और उससे तुम सब सीखोगे नृत्य और खूब अच्छा प्रदर्शन करोगे। यह लड़की बहुत ही प्रतिभाशाली है। राधेश्याम जी, मैंने इसे बात की, कुछ क्षणों में ही मैं जान गया कि ये लड़की, इसके भीतर कुछ जज्बा है, कुछ करना चाहती है और आज संसाधन इतना विकसित हो चुका है, विज्ञान इतना विकसित कर चुका है कि हम बिल्कुल इसे, आप तो पहली बार आए थे मैंने बताया था, इसे एक ऐसा पैर लगा के देंगे कि ये दूसरों को पता भी ना चलेगा कि इसके अपने पैर नहीं हैं। ये सारा काम करेगी, पढ़ाई भी करेगी, दौड़ कूद सब करेगी। इसके मन का जो मंसूबा है, एक नृत्यांगना बनना चाहती है, इसे हम एक बहुत ही बेहतर नृत्यांगना भी बनाएंगे हमारे न्यू होम में, विशेष विद्यालय में। नृत्य के आचार, संगीत के आचार, सब आचार्य बैठते हैं, इसे सिखाएंगे और मुझे विश्वास है कि लड़की बहुत आगे जाएगी। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, आप इसे हमारे पास छोड़िए और आप खर्च की भी चिंता मत करिए। ये हमारे परिसर में रहेगी, न्यू होम में अभी प्रशिक्षण लेगी, इसे हम पढ़ना लिखना सिखाएंगे। इसे सामान्य शिक्षा के बाद हम चाहेंगे कि जो कमी इसमें है उसी कमी को दूर करने वाला पाठ्यक्रम जो हमारे यहाँ है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग, जिससे अपनी जैसी बच्चियों और बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम होगी। हम चाहते हैं कि दुनिया में दिखाने के लिए यह एक बहुत ही कुशल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर ही बने और साथ में जो इसके मन की अभिलाषाएँ हैं कि नृत्य में आगे जाना चाहती है तो जरूर जाएगी। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि इस बच्ची को आप नहीं छोड़िए। हमने ये फैसला किया है सर कि आज से हमारी बेटी इसी सेंटर में रहेगी, वो आपकी शरण में रहेगी। ये बहुत खुशी की बात है सर। यहाँ एडमिशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं
उसे आज ही पूरी कर ली जाए ताकि मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल हो सके। चलो आप कृपया बच्ची को लेकर के रिसेप्शन पे जाएं, वहाँ वो सारी व्यवस्था कर देंगे, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हाँ मैं अभी 2 मिनट में निकलता हूँ, अभी एक मीटिंग थी, तुरंत हम निकलते हैं। जरूर जरूर आप प्रतीक्षा करें, मैं आ रहा हूँ। राधेश्याम जी, ये बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में मुझे जाना होगा, आप सारी प्रक्रिया पूरी कराने आपको, तुम खूब तैयारी करो अपने मन से और मुझे जाने। चरण स्पर्श माँ और पापा आपको जानकर खुशी होगी, मुझे कृत्रिम पैर लग चुके हैं। कुछ दिन मुझे व्हील चेयर के सहारे चलना है, उसके बाद मैं एक आम लड़की की तरह चलने फिरने लगूंगी। पापा से कहना अब उसके बेटी अपाहिज नहीं, एक काम लड़की है। हाँ मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ और मैंने सर से बात भी कर रखी हूँ, वो मुझे नृत्य सिखाने को तैयार है। आप अपना और माँ पापा का ख्याल रखें।
प्रचार करे कृपा रहे इन पे हरदम औरों से ये कमतर हैं टूटेगा ये सब का भरम इनको दाता प्यार करे कृपा रहे इन पे हरदम औरों से ये कमतर हैं टूटेगा ये सब का भरम इनकी सेवा जो करे वो धरती का भगवान है ईश्वर का वरदान 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 है विकलांगता अभिशाप नहीं ये तो एक वरदान है विकलांगता अभिशाप नहीं ये तो एक वरदान है रचना है सभी रचेता के रचना है सभी रचेता के सब उनकी संतान है ईश्वर का वरदान है ईश्वर का वरदान है ईश्वर का वरदान मैं चाहूँगा इस सेंटर के जो निदेशक प्रमुख डॉक्टर अनिल सुलभ जी जो आकर इस मंच पर अपना आशीर्वचन दें और अपनी ही छात्रा को आशीर्वाद दें और उसे प्रोत्साहित करें मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अनिल सुलभ जी का आप स्वागत करें डॉक्टर अनिल सुलभ जी हमारी इस बेटी गुड़िया ने ये सिद्ध कर दिया है कि यदि मन में संकल्प हो विश्वास हो और श्रम हो तो जिसे हम विकलांगता कहते हैं जिसे अभिशाप कहते हैं वो अभिशाप भी वरदान में बदला जा सकता है हमारी बेटी ने यह कर दिखाया और आज का यह दिन पूरे संस्थान परिवार के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है प्रसन्नता की बात है और मैं पूरे मन प्राण के साथ इसको आशीर्वाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से यह दूसरे बच्चों और बच्चियों को भी प्रेरणा देती रहेगी प्रशिक्षण देती रहेगी और ख़ास तौर से जो जिस कार्य के लिए इसने अपना कैरियर चुना है केवल नृत्य संगीत ही नहीं इसने हमारे यहाँ से पूरी पढ़ाई करने के बाद प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और आज यह मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर है आज इस पर इस तरह की बच्चियां ही क्यों पूरा समाज गौरव कर सकता है मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत ही साधुवाद करता हूं बधाई करता हूं भागी मत बनाइए भगवान ने हमारी परीक्षा ली और हम सब उस परीक्षा में सफल हो गए तूने बहुत कुछ सहा है तिल तिल कर जीती रही है तू पर तूने अपना इरादा नहीं छोड़ा आज मुझे गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ अरे भाई सारा का सारा प्यार तुम लोग ही दे दोगे मैं क्या दूंगा मैं कहता था ना जो अपनी सेवा खुद करता है भगवान उसी की मदद करता है चल अब घर चलते हैं विकलांगता अभिशाप नहीं ये तो एक वरदान है
विकलांगता अभिशाप नहीं, ये तो एक वरदान है। रचना है सभी रचेता के, रचना है सभी रचेता के, सब उनकी संतान है।